फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो भी एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों का मेनली यही क्वेश्चन है कि मैथ मेरा वीक है, मैं कैसे तैयारी करूं और कौन सा कोचिंग लूँ कि नहीं लूँ और कौन सर का कोचिंग लूँ। तो ये सारे सवालों का आज जवाब मिलने वाला आपको इस वीडियो में। और एलपी का जो वैकेंसी है उसके बारे में बताने वाला हूँ कि आपको अगर वैकेंसी आती है तो उस समय कितना टाइम आपके पास रहेगा और आपको तैयारी कैसे करना है, अपना लेवल कैसे बूस्ट करना है, क्योंकि बहुत ही कंपटीशन होने वाला है टफ इस बार। तो आप लोग और मैं आज आपको अपने वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। आज मैं आपको मैथ को रिले करके सारा डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर पहले कंप्लीट करना है और कौन कौन से चैप्टर बाद में, और आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जो पहला एग्ज़ाम है CBT 1, उसको लेकर के मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, उसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसमें टोटल 60 मिनट टाइम रहेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो टाइम कम है, मगर क्वेश्चन का लेवल भी उतना हाई लेवल का नहीं आता, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है और इसमें आपका जनरल का कम से कम 40% मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे। जैसे 75 क्वेश्चन के 45% आपको लाना पड़ेगा मार्क्स, तभी आप इसमें क्वालिफाइड हो पाएंगे। और OBC का 30% और ST का 25% और SC का 30% आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाने ही पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए, तब यह आप CBT 2 में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो CBT 1 एग्ज़ाम इजी है, मगर जिनका मैथ और रीजनिंग वीक है उन लोगों के लिए टफ है, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने एग्ज़ाम दिया था तब मेरा मैथ और रीजनिंग अच्छा था इसलिए, और सारे सब्जेक्ट में अच्छा अपना कर लिया था प्रैक्टिस करके, सेट प्रैक्टिस करके, डेली पढ़ के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो टाइम टेबल वाला वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाता है लिंक में, तो ये वीडियो जा कर के देखिए, आपको हेल्प हो जाएगा टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है, क्या पढ़ना है। फ्रेंड, मेनली मैथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका नंबर सिस्टम, वर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF। पहले आप कोशिश करें कि इन चैप्टरों को जल्दी से कंप्लीट करें, क्योंकि इससे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं और आपका इसमें 100% अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो एक मार्क्स तो 100% लेकर के जाएंगे जो भी टॉपिक से पूछा जाएगा। इन सारे आप एकदम 100% सही बना के आएंगे। तो पहले इन सारे टॉपिक को मतलब पूरा अपना कॉन्सेप्ट बना करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है मैथ में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर परसेंटेज से पूछे गए थे, फिर टाइम एंड वर्क से पूछे गए थे, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, स्क्वायर रूट से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, एज कैलकुलेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कैलेंडर एंड क्लॉक से भी आए थे। तो ये सारे जो मैं टॉपिक अभी आपको बताया हूँ, और मेंसुरेशन से भी ये सारे जो टॉपिक मैंने आपको भी बताया, ये सारे टॉपिक को आप पहले कोशिश करिए कि मतलब पहले कंप्लीट कर ले, और ताकि आपका मतलब जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपका 100% सिलेक्शन पक्का हो जाएगा CBT 1 में, क्योंकि इसमें आपका मेनली मैथ और ये पूछा जाता है रीजनिंग। तो इसमें आप अच्छा स्कोरिंग कर लोगे तो आपका समझिए कि एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा CBT 1। तो फ्रेंड देखिए, जिनका भी मैथ वीक है मैं उन लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले क्या करिए कि जैसे नंबर सिस्टम उठाए तो नंबर सिस्टम का RS अग्रवाल का बुक बेसिकली अच्छा है, तो उसको वो बुक खरीद करके आप देखिए कि आपका जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसमें आप पहले टॉपिक वाइज उसको मतलब अच्छे से पढ़िए वो चैप्टर को। उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बहुत अच्छा से दिया हुआ है, उसमें फार्मूला सारे लिखे, फार्मूला को समझिए कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ प्रोसेस, और आपका फार्मूला क्लियर करने के बाद फिर बेसिक लेवल से स्टार्ट करिए, क्वेश्चन हार्ड लेवल डायरेक्ट मत बनाइए, क्योंकि उसमें लेवल वाइज दिया है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। और ऐसे करके आप तैयारी करिए, जो भी जिनका भी मैथ वीक है और सोचता है कि मैं मैथ नहीं बना पाऊँगा, तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप ऐसे तैयारी करिए। और जो भी टॉपिक आपको डाउट लगता है उसका YouTube में बहुत अच्छा अच्छा मतलब सारे सर लोग, बहुत सारे सर उसमें अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट डालते हैं, जैसे कि साहिल सर का वीडियो देखे प्रीवियस, तो अच्छे पढ़ाए थे। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपका अगर तैयारी नहीं हो पा रहा है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि इसके झा सर ही मतलब उनके वहाँ ज्वाइन करें। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके लोकेलिटी में कहीं कोई अच्छे सर है, और ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको जो भी सफिशेंट लगता है वो ज्वाइन करिए,
ताकि आपका एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से हो जाए। अभी से अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि एक बार वैकेंसी आएगा तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम लोगों के समय वैकेंसी आई थी तो कुछ रीज़न के वजह से टाइम मिल गया था, 2-4 मंथ 5 मंथ। लेकिन इस बार वैकेंसी अगर आता है तो बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि 2 या 3 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम ले लिया जाता है, 2 मंथ हार्डली। तो आप उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन को अभी से करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम जब आए तो आप सिर्फ सेट प्रैक्टिस करिए और आपका सिलेक्शन वहीं पे पक्का हो जाएगा कि आप आराम से CBT 1 निकाल लेंगे। और CBT 2 के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि उसका तैयारी कैसे करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, सारा कुछ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे अपने भाई के चैनल को। तो जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।